ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। फॉर एग्जाम्पल मिथेन, इट इज अ पैरेंट एल्केन, हाँ फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली। मिथेन, वेयर मिथेन इज फाउंड, कहाँ मिलता है मिथेन पता है? बायोगैस में मिथेन मिलता है, बायोगैस जो होता है ना उसमें मिलता है। और कहाँ मिलता है? मार्शी प्लेसेस में, लिखो फाउंडिंग फाउंडिंग कोल माइंस, कोल कोल माइंस जो रहते हैं ना उसमें, कोल माइंस एंड मार्शी प्लेसेस। मार्शी प्लेसेस मतलब जो दलदल दलदल का एरिया रहता है ना वहाँ मार्शी प्लेसेस। नेक्स्ट लाइन लिखो, बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम ऑफ मीथेन बाय कार्बन एंड जॉइन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स टू कंप्लीट टेट्रावेलेंसी। ऑफ द कार्बन एटम we can get next alkane. Let's try with the example. This is the structure of methane, CH4. Tetravalency is completed. We have to get the next alkane family member. First member is CH4, parent alkane. Next member कौन सा है? ये कैसे निकालना है? क्या करना है? What we have to do is replace the any hydrogen atom, कोई भी, हाँ, any hydrogen atom by the carbon atom and attach required number of hydrogen to that carbon atom. कंप्लीट द टेट्रावेलेंसी, मतलब ये एरो पे आए क्या आएगा? रिप्लेस हाइड्रोजन और एनी एच एटम बाय कार्बोनेट। लेट्स ट्राई एच सी एच एच, दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय कार्बन। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर रिक्वायर्ड हियर आयन? हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टेट्रावेलेंसी? थ्री। What is the molecular formula of this? C2H6. Good. मतलब CH4 first member, C2H6 second member. Understand? In the same way we can complete the alkane family. Next. यहाँ का भी ये क्या करेंगे? ये hydrogen replace करेंगे. यहाँ और एक CH3 जोड़ेंगे. नेक्स्ट लाइन लिखो, द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन्स इज CnH2n+2, CnH2n+2। n means what is represented by n? कितने कार्बन एटम रहेंगे वो वाला। तो समझो अभी हम इन केस ऑफ क्या करेंगे,
सी एच फोर के केस में रहने देते, इस केस में देखते सी एल एन कितने हैं, यहाँ टू है तो सी टू, तो एच टू एन होगा, मतलब एच टू एन क्या है टू, मतलब टू टू जा फोर, तो एच फोर आ रहा है क्या यहाँ, नहीं प्लस टू आ रहा है मतलब सिक्स आ रहा है, तो यह क्या हो गया टैली हो गया हमारा, ये फॉर्मूला यहाँ वर्क करता है। तो नेक्स्ट अगर हमें थ्री लेना है तो करो अभी बताओ, सी थ्री आएगा तो यहाँ क्या आएगा, थ्री टू जार सिक्स प्लस टू एट, मतलब सी थ्री एच एट एंड एक्सेट्रा वो जो, समझ में आया ना, जनरल फॉर्मूला अगर तुम्हें पता है ना तो तुम कंस्ट्रक्ट कर। अभी और एक इसमें कंसेप्ट आता है अल्किल ग्रुप्स, अल्किन से डिराइव ग्रुप कौन सा होता है अल्किन, ये अर्लियर में तुमने देखा है, मतलब सी एच फोर से क्या डिराइव करते हैं हम सी एच थ्री, मतलब सिर्फ क्या करना है एक एच रिप्लेस करना है हाँ, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ, अल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, अल्किन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, कितना सिंपल है प्लस वन CnH2 प्लस प्लस वन, एक हाइड्रोजन सिर्फ कम हो गया। अभी बताओ कैन यू रिकॉल द VACPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी VACPR, इन विच वे हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4, मीथेन का स्ट्रक्चर क्या था, क्या था मीथेन का स्ट्रक्चर बताओ, सिंपल तो था टेट्राहेड्रल था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, अभी लिखो स्ट्रक्चर पॉइंट डालो और लिखो उसमें, अकॉर्डिंग टू VACPR थ्योरी, अकॉर्डिंग टू VACPR थ्योरी मीथेन हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, मीथेन हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, मीथेन हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इन विच कार्बन एटम लाइज एट सेंटर, इन विच कार्बन एटम lies at center and the four hydrogen atom lies at four corners of regular tetrahedron, four corners of regular tetrahedron, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, four corners of regular tetrahedron. All CH bond angles are 109.5. All CH bond angles are 109.5 degree. Draw the structure. नेक्स्ट नोमेनक्लेचर,
nomenclature and isomerism. Already they have studied the rules of nomenclature and nomenclature. Let's recall it. First three alkanes are named as their common names. मतलब CH4 methane, write down. C2H6 ethane. Next C3H8 propane. And C4H10 butane. But till only propane there are use of common names, because there is no different structure. मतलब यहाँ इसके क्या हो सकते हैं कि उतने एक एक ही स्ट्रक्चर इसका बनता है तीनों का, लेकिन यहाँ से लेकर मतलब ब्यूटेन से आगे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बोनेट्स मतलब चेन जैसे लॉन्ग होती जाती है वैसे क्या होता है बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनते हैं. मतलब अभी ब्यूटेन को ही हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा ट्राई करके देखो. मैं क्लियर करती हूँ. ब्यूटेन मतलब C4H10. Let's try how many structures we can draw.